सरकार के मंत्री सत्येन जैन इन दिनों जेल में हैं। हवाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी की कस्टडी में कई दिन की पूछताछ के बाद अब वह न्यायिक हिरासत में हैं। 9 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट की ओर से जब उनकी ईडी कस्टडी बढ़ाई गई थी तो बाहर आते ही उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। आम आदमी पार्टी समर्थकों में जैन की सेहत को लेकर चिंता उस वक्त और बढ़ गई थी जब उनकी एक तस्वीर को 10 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। दरअसल इस तस्वीर में सत्येन जैन एक कार में बैठे नजर आते हैं। उनके साथ पिछली सीट पर मास्क लगाए एक अन्य शख्स भी बैठा नजर आ रहा है। जैन का मुंह खुला हुआ है और उनके होंठ से लेकर गले तक लाल थप्पा दिखता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे खून बताया गया तो कुछ आप समर्थकों ने इसे जैन के साथ जुल्म का निशान बताया। हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और आतिशी मालेना जैसे नेताओं ने इसे तस्वीर को साझा करते हुए जैन की हालत पर चिंता जरूर जाहिर की थी, लेकिन खून या मारपीट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। राज्यसभा सांसद और आपके संस्थापक सदस्य संजय सिंह ने इस तस्वीर के साथ लिखा, ये वो शख्स है जिसने देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया। 5 फ्लाईओवर के निर्माण में दिल्ली की जनता का 300 करोड़ रुपए बचाया। सत्येन जैन की तस्वीर मोदी और उनकी मैना ईडी पर काला दाग है। ये देश तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा। आतिशी मालेना ने लिखा था, जिस व्यक्ति ने देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, वो मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली वालों को मुफ्त और शानदार इलाज देती है, जिसकी दुनिया भर में तारीफ होती है, आज उसी सत्येन जैन की तस्वीर देखकर दिल टूट गया। खुद दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस तस्वीर को रीट्वीट किया, जिसके साथ कैप्शन लिखा था कि दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक देने वाले सत्येन जैन की कल की तस्वीर। हालांकि खुद केजरीवाल ने इस पर कोई कमेंट नहीं लिखा। आप समर्थकों की चिंता को देखते हुए हमने इस तस्वीर की कुछ पड़ताल की तो हकीकत कुछ और सामने आई। सत्येन जैन उस दिन बीमार जरूर थे, लेकिन उनके मुंह से खून नहीं निकल रहा था। दरअसल सत्येन जैन के मुंह पर जो लाल धब्बे दिख रहे हैं वह कार के शीशे पर वहां मौजूद एक पेड़ की छाया है। दरअसल इंडियन प्राइम न्यूज़ के जिस फोटोग्राफर ने तस्वीर क्लिक की थी, उन्हीं के कैमरे में कैद कुछ अन्य फ्रेम को देखने के बाद हकीकत सामने आ गई। उनकी ही एक अन्य तस्वीर में भी सत्येन जैन का मुंह खुला हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भी दाग नहीं है। पीटीआई की ओर से भी जो तस्वीर जारी की गई थी उसमें जैन के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।